नमस्कार, मैं हूं मुकेश वत्स और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वत्स उवाच को। 9 अगस्त को नीतीश कुमार ने सडनली अनाउंस किया कि वो बीजेपी का बिहार में साथ छोड़ रहे हैं और आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार का गठन करेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब नीतीश कुमार ने इस तरीके की पलटी मारी हो। बहुत सारे दर्शकों का यह प्रश्न आया कि नीतीश कुमार के इस कदम का बिहार पर क्या असर पड़ेगा, इस पर एक समीक्षा कीजिए। आज के इस वीडियो में नीतीश कुमार की कुंडली और एक प्रश्न कुंडली के आधार पर हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि नीतीश कुमार के इस कदम का क्या असर पड़ेगा उनकी राजनीति पर एवं बिहार पर। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न रिकॉर्ड किया गया है यह 20 अगस्त का प्रश्न है, रात को 9:19 सूरत के लोकल टाइम पर इस प्रश्न को रिकॉर्ड किया गया था। मैं स्क्रीन पर आप लोगों को कुंडली दे रहा हूं, आप इस कुंडली को गौर से देखिए। लग्न लॉर्ड जुपिटर, और यह लग्न लॉर्ड ही नहीं है, 10th लॉर्ड भी है, ये वक्री होकर लग्न में बैठे हुए हैं और शनि भी इस कुंडली में वक्री होकर बैठे हुए हैं। यह प्रश्न जो पूछा गया है ये सैटर्न के होरा में पूछा गया प्रश्न है। शनि के होरा में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते। फेलियर इन एफर्ट्स, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको फेलियर्स मिलते हैं, उसमें आपको तरक्की नहीं मिलती है, अवनति मिलती है। शनि के होरा में जब प्रश्न पूछा जाए तो परिवार के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता ये भी समझा जाता है। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड लॉस ऑफ वेल्थ, आर्थिक परेशानी भी होती है। तो ये पहला इंडिकेशन है कि प्रश्न जिस चीज के बारे में पूछा गया है, जिस कृत्य के बारे में पूछा गया है, जिस व्यक्ति और जिस स्थान के बारे में पूछा गया है, उनके लिए ये अच्छा रिजल्ट्स नहीं देने वाला होगा। आप दूसरा देखिए, मैंने पहले ही कहा 10th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड वक्री है। ऐसा व्यक्ति अपना बिजनेस कभी भी खुद नहीं संभाल पाता, यह अपना व्यवसाय हमेशा दूसरों पर निर्भर रहकर करता है। अब इसमें जमक्कुल प्रश्न वाला टेक्निक को जब अपनाएंगे तो हम देखेंगे उदय लग्न तुला का आता है। मैं जमक्कुल प्रश्न चार्ट भी आप लोगों के स्क्रीन पर दे रहा हूं, उदय लग्न इसमें तुला है और सेकंड द्रेशकान में राइजिंग है। तुला का सेकंड द्रेशकान क्या कहता है? A male who is well ornamented, एक पुरुष जो बहुत सारे रत्न हीरा जवाहरात मुकुट वगैरह पहन कर बैठा हुआ है। Obviously, पावर में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में प्रश्न है तो इस तरीके का द्रेशकान आ रहा है। But he is hungry and thirsty, लेकिन यह व्यक्ति बहुत ही भूखा और प्यासा है, कहने का मतलब बहुत डेस्परेट है। He has a pot in his hand which is about to fall. इसके हाथ में एक घड़ा है, एक पॉट है जो अब गिरने वाला है। यदि आप लोग मेरे चैनल को पिछले कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा पिछले अक्टूबर के लगभग मैंने विराट कोहली पर एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से एनालिसिस किया था, अक्टूबर या अगस्त ऐसे ही उसी पीरियड में बना था, उसमें भी यही द्रेशकान राइजिंग था। और मैंने कहा था कि विराट कोहली के हाथ में जो घड़ा है वो गिरेगा, वो उनके हाथ में नहीं रहेगा।
और उसके बाद उनकी कैप्टेंसी गई, उनका फॉर्म भी बहुत खराब चल रहा है। नीतीश कुमार के लिए भी यही द्रेशकान का राइजिंग। नीतीश कुमार के हाथ में भी एक घड़ा है, बिहार की सत्ता उनके पास पिछले 20-22 वर्षों से है, वो घड़ा के गिरने का खतरा बन रहा है, ऐसा यह प्रश्न कुंडली का द्रेशकान बोलता है। और आगे देखिए, प्रश्न कुंडली में छत्र लगन या तमिल में जमक्कुल प्रश्नम में उसको कविप्पु भी बोलते हैं। यहां पर छत्र लगन या कविप्पु इस कुंडली के 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस का मतलब सत्ता, पावर, इकोनॉमी। नीतीश ने जो ये कदम उठाया है, जिसके ऊपर ये प्रश्न है, वो नीतीश जी को बहुत परेशानियां देगा। छत्र लगन या कविप्पु जिस भी स्थान में हो, उस स्थान से जुड़े हुए परेशानियों को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को दर्शाता है, नेगेटिविटी को दर्शाता है। यानी नीतीश कुमार का जो यह कदम है या जो सत्ता का खेल खेल रहे हैं वो, इसमें उनको लॉसेस और फेलियर्स मिलेंगे। इस नए गठबंधन के साथ सरकार चलाने में बहुत सारी छुपी हुई परेशानियां और चुनौतियां उनका इंतजार कर रही है। इशारा इस ओर भी है कि ये गठबंधन सत्ता का बेजा इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल कर सकती है। अब उदय लग्न में देखिए, केतु बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा साइन नहीं है। और जमक्कुल सिस्टम जो होता है, जो इस कुंडली के बाहर आप एरो के बाद एक एक प्लैनेट्स का नाम देख रहे हैं, उसको जाम प्रश्न आप बोल सकते हैं। उसमें देखिएगा, केतु के साथ चंद्रमा का एक युति बन रहा है लग्न में। केतु और चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो ये टेंशन्स और डिप्रेशन्स देते हैं। ये चूंकि उदय लग्न में है, इसलिए इसके ऊपर भी इशारा है कि ये काम, जो काम नीतीश कुमार ने लिया है, ये काम हाथ से जा सकता है और पब्लिक में बहुत बदनामी हो सकती है। लग्न कहीं ना कहीं सेल्फ इमेज का भी हाउस होता है। और आगे देखिए, थर्ड हाउस को देखिए। थर्ड हाउस के साथ जम सैटर्न, यानी कि जो बाहर में देखिएगा जो प्लैनेट्स हैं, उसमें सैटर्न का देखिए संबंध तीसरे हाउस से, पराक्रम हाउस से बन रहा है। ये नीतीश कुमार के पराक्रम को असफल करेगा, खत्म करेगा। इस एंटरप्राइज में इनको सफलता बहुत मुश्किल से मिलेगी, या शायद ना भी मिले। सोचा हुआ हर काम इनका गड़बड़ होगा। और आगे देखिए, फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। फोर्थ हाउस में वक्री शनि है। फोर्थ हाउस पब्लिक सपोर्ट का हाउस होता है। फोर्थ हाउस होमलैंड यानी कि बिहार का भी हाउस है। लोगों के बीच में लोकप्रियता में कमी आएगी। लोग इस कदम को अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं कर रहे। फोर्थ हाउस, घर वाले हाउस में वक्री शनि का बैठना घर में भी खलल डालेगा। घर में तनाव, घर में फूट, यानी कि पार्टी में भी फूट हो सकता है। नीतीश कुमार के मतभेद हो सकता है। शनि ही होरा लॉर्ड भी है, तो शनि का पोजीशन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिहार के स्थान पर वक्री शनि का होना ये अच्छा इशारा बिल्कुल नहीं है। बिहार के लिए भी नहीं है, नीतीश कुमार के लिए और उनकी लोकप्रियता के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पोजीशन को और यदि डिकोड करके देखिएगा तो इसका यह भी मतलब निकलता है कि जिस पर भरोसा करते हैं वो भरोसा तोड़ता है। नीतीश कुमार ने जिस पर भी या जिन लोगों पर भी भरोसा किया है, वो लोग इनके भरोसा को तोड़ेंगे। और नीतीश कुमार के बर्थ चार्ट को भी यदि देखिएगा, जो अवेलेबल है 1951 का, उसमें भी नीतीश कुमार का जो अभी अंतरदशा केतु का चल रहा है,
वो भी कहीं ना कहीं इसी की ओर इशारा करता है। सिक्स्थ में देखिए वक्री गुरु और उस पर शनि की दृष्टि। जमक्कुल सिस्टम में देखिएगा सिक्स्थ हाउस के बाहर एरो के बाद बुध मर्क्यूरी लिखा हुआ है, ये गलत मित्र देता है, गलत लोगों के साथ मित्रता हो गई है नीतीश कुमार की। गुरु से सेवेंथ और नाइन्थ में कोई भी प्लैनेट नहीं है। गुरु से आप काउंट करके देखिए, ये लॉन्जिविटी यानी कि सरकार कितने दिन तक चलेगी या नीतीश कुमार का पॉलिटिकल कैरियर कितने दिन का है उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सिक्स्थ हाउस का सवाल है, इसलिए नीतीश को व्यक्तिगत रूप से भी अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, और खास करके हार्ट रिलेटेड इश्यूज, सीवियर बैक पेन, कुछ कमर से नीचे के रोग, इन चीजों में परेशानी उनको आ सकती है। आप देखिए गौर से, शुक्र टेंथ हाउस में है। शुक्र जब भी इस तरीके के पोजीशन में टेंथ हाउस में हो तो उससे ये आप अज्यूम कर सकते हैं, उससे ये मतलब निकाला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ फर्स्ट हाफ से बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नीतीश कुमार जी को यदि आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं तो आप देखिएगा इनका फर्स्ट हाफ बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, और बाद में जाकर इन्होंने तरक्की शुरू किया और पिछले 20-22 वर्षों से तो लगभग बिल्कुल केंद्र में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आठवें में है, ऐसे व्यक्ति की अपनी कोई शक्ति नहीं होती, हमेशा दूसरों पर निर्भर करते हैं। चंद्रमा और मंगल दोनों ही एट्थ में है, अनिर्णायक स्थिति, इनडिसिसिवनेस, और इसके वजह से व्यक्ति का गलत कदम उठाना, गलत निर्णय लेना, वो भी दिखता है इसमें। एट्थ लॉर्ड टेंथ में बैठे हुए हैं शुक्र, ये सत्ता के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है, नीतीश के कामकाज में बहुत रोड़े आएंगे। आरूढ़ लग्न में टेंथ हाउस में शुक्र बैठे हुए, और टेंथ हाउस में बैठे हुए शुक्र का एट्थ हाउस में बैठे हुए चंद्रमा के साथ एक परिवर्तन है, एट्थ और टेंथ का परिवर्तन। इसका मतलब होता है सेपरेटेड वाइफ, पत्नी से अलग रहने वाला व्यक्ति, फ्रीक्वेंट डाइवोर्सेस, ऐसे व्यक्ति का डाइवोर्स बार बार होता है। नीतीश कुमार को यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा अपनी पत्नी से ही हमेशा अलग ही रहे, डाइवोर्स नहीं हुआ था लेकिन वो डाइवोर्स से कम भी नहीं था, फ्रीक्वेंट डाइवोर्सेस। पॉलिटिकली भी देखिएगा तो नीतीश कुमार जी का हमेशा किसी न किसी के साथ डाइवोर्स होता रहा है, चाहे वो जनता दल से हो, चाहे वो लालू यादव से हो, चाहे तो वो जॉर्ज फर्नांडिस से हो, चाहे तो शरद यादव के साथ डाइवोर्स हो, बीजेपी के साथ कई बार डाइवोर्स हो चुका है, आरजेडी के साथ मिले उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है, बहुत बार डाइवोर्स हुआ है। सेवेंथ लॉर्ड एट्थ में है, ये भी डाइवोर्स की तरफ इशारा करता है, ट्रबल्ड मैरिड लाइफ की तरफ इशारा करता है। तो कहने का मतलब नीतीश कुमार पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। शुक्र और चंद्र का परिवर्तन ये भी बताता है कि ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे मित्र होते हैं, और मित्रता करने की ओलंपिक्स हो तब तो नीतीश कुमार को वैसे भी मेरे समझ से गोल्ड मेडल मिलेगा। जिस व्यक्ति को गालियां देते रहते हैं उसके साथ भी मिलकर फिर सरकार बना लेते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था इन्होंने, 2017 में जब आरजेडी से अलग हुए थे तो तेजस्वी यादव के बारे में इन्होंने क्या क्या नहीं कहा था, और तेजस्वी यादव ने इनके बारे में क्या क्या नहीं कहा था। लेकिन देखिए बहुत आसानी से ये लोगों के साथ मिल जाते हैं, मित्रता कर लेते हैं और अपना काम निकाल लेते हैं। लेकिन ये फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। अब नीतीश कुमार का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इससे हम लोगों को क्या मतलब, लेकिन बिहार एक बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, ये बिहार के फाइनेंशियल पोजीशन के लिए भी डज नॉट ऑगर वेरी वेल, और बिहार एक बड़ा राज्य है, वहां की जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, भारत का समझिए तो 1/10 पॉपुलेशन बिहार में रहती है, और हिस्टोरिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट है बिहार। बिहार की फाइनेंशियल स्थिति इस प्रश्न कुंडली से दिखता है कि बहुत खराब, और स्टैटिस्टिक्स को भी आप देख लीजिए तो आपको कुंडली देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
आज डेब्टर्स लिस्ट में किन राज्यों पर कितना कितना लोन है उसमें यदि देखिएगा तो बिहार आपको दूसरे तीसरे नंबर पर दिखेगा। तो फाइनेंशियली ये बिहार के लिए बहुत अच्छा स्थिति नहीं है। अब मैं आता हूं उस पॉइंट पर जिसका मैंने थंबनेल में इशारा किया है। आप देखिए इस कुंडली में राहु और जुपिटर का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। सेवेंथ हाउस में राहु बैठे हुए हैं और जाम प्रश्न में सेवेंथ हाउस के साथ जुपिटर का संबंध है। आप एक और चीज देखिए, इस कुंडली के नवमांश को देखिए। लग्न कुंडली में राहु और केतु की स्थिति का बिल्कुल उल्टा 180 डिग्रीज हो जाता है नवमांश में। यानी कि लग्न कुंडली में राहु मेष में है और केतु तुला में है, लेकिन नवमांश में देखिएगा तो राहु तुला में चले जाते हैं और केतु मेष में चले जाते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। सबसे पहले तो संतों एवं सज्जनों का श्राप ऐसे व्यक्ति को लगता है। दूसरा, बिहार में धार्मिक असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस सरकार और विशेषकर नीतीश कुमार की सहमति रहेगी, समर्थन रहेगा। राहु यानी कि मुस्लिम्स और केतु यानी कि क्रिश्चियंस। जिहादी एक्टिविटीज भी बढ़ेंगी बिहार में। और बहुत ही सरप्राइजिंग है, बिहार को यदि आप लोग समझते हैं तो यहां इवेंजलिस्ट एक्टिविटीज पहले बहुत ज्यादा नहीं रहा है। इक्का दुक्का कहीं से समाचार 5-10 सालों में आता था, वो मुझे दिख रहा है कि अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। और शुक्र का जो पोजीशन है इस कुंडली में और चंद्रमा के साथ जो परिवर्तन है, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, इसमें मुझे किसी फीमेल नेत्री का हाथ दिखता है। नीतीश कुमार जी के बारे में यदि आप देखिएगा इनका हिस्ट्री तो बताने की जरूरत नहीं है। इनके सिर्फ कुछ स्टेटमेंट्स को ही आप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ये तुष्टिकरण कितना करने के प्रयास में हमेशा से रहे। आप लोगों को याद होगा एक बार इन्होंने ये भी नारा दिया था, संघ मुक्त भारत, भारत यानी कि आरएसएस मुक्त भारत, उसका आह्वान ये कर चुके हैं। एक बार इशरत जहान को ये बिहार की बेटी बता चुके हैं, जो कोर्ट में साबित हो चुका कि एक टेररिस्ट थी, इंडियन मुजाहिदीन का सबसे टॉप टेररिस्ट यासीन भटकल को ये बिहार के दामाद बता चुके हैं। और आप लोगों को ध्यान होगा यासीन भटकल की गिरफ्तारी भी बिहार से ही हुई थी, बिहार नेपाल बॉर्डर से। यदि आप लोग बिहार के न्यूज को समझते हैं तो आप देखिएगा बिहार और नेपाल का एक बहुत लंबा बॉर्डर है जो कि बहुत ही पोरस है, और उस बॉर्डर पर बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सब आईएसआई के केंद्र बन चुके हैं। बिहार का नॉर्थ ईस्ट, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ठाकुरगंज, कटिहार, ये जो एरिया है, जिस एरिया में अभी हाल फिलहाल के हुए चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को कई सीटें मिली थी, वो एरिया पहले से ही जिहादियों का गढ़ बना हुआ है। वो पूरा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ एरिया है, भारत का जो चिकन्स नेक है उससे जुड़ा हुआ एरिया है और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये जो सरकार ये बनी है जिसमें एक धड़ा तेजस्वी यादव का है और दूसरा धड़ा नीतीश कुमार का है, ये धार्मिक असहिष्णुता के लिए ये बहुत ही गलत कदम है। इस पूरे हॉरोस्कोप में सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव मुझे दिखता है फ्रेंड्स। इलेवेंथ हाउस में देखिए सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है। इलेवेंथ हाउस में बैठा हुआ सूर्य नीतीश कुमार को शायद कुछ संबल दे दे, कुछ सपोर्ट दे दे, कुछ बचाव का कार्य करे। बाकी जितने भी इसमें इंडिकेशंस हैं
वो सारे के सारे इंडिकेशंस नेगेटिव हैं। और नीतीश कुमार की कुंडली के अनुसार भी यदि देखिएगा तो अक्टूबर नवंबर 2023 तक नीतीश कुमार के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। तो ये अगला लगभग एक साल का जो समय है ये बहुत संभलना पड़ेगा नीतीश कुमार को और बिहार दोनों को। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को यह एनालिसिस लॉजिकल लगा होगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर अवश्य कीजिएगा। अपना प्यार अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।